सुनीता क्या कर रही हो? आप क्या कर रहे हो? देखो अपने बच्चों को। क्या हुआ? ये आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? ये देखो अपने बच्चों को, क्या कर रहा है वो? ये गधा कब से टीवी देख रहा है और वो महारानी फोन लेके बैठी है। डिसाइड कर लो गधा हूँ या घोड़ा। अभी दीदी थोड़ी देर पहले बंदर बोल रही थी। जाइए चेक करिए क्या कर रही है वो। पता है मेरी बेटी पढ़ रही होगी। मैं ही जाके देखती हूँ क्या कर रही है वो। ये पढ़ रही हो तुम? क्या है, पढ़ी तो रही हूँ मैं। ऐसे हंस हंस के? पढ़ ही रही थी, कुछ डाउट था इसलिए फ्रेंड से बात कर रही थी। चल बाहर चल पापा के पास, बहुत भरोसा है ना उन्हें, बताती हूँ। आ रही हूँ ना। ये देखो अपनी बेटी को, हंस हंस के कौन सी पढ़ाई होती है। मम्मी सही बोल रही है बेटा। क्या है पापा, कर रही थी चैटिंग, कुछ डाउट था, सभी करते हैं। मैंने पढ़ने के लिए फोन दिया था ना बेटा, तुम पढ़ तो नहीं रही हो, फोन दे दो मुझे। पढ़ाई की तूने? क्या है मम्मी, साइड हटो। क्या है, क्यों रो रहा है? रिमोट ले लिया, संडे को भी टीवी नहीं देखने देते, चाटा और लगा दिया मम्मी ने। मुझसे भी फोन छीन लिया, फ्रेंड से ही तो बात कर रही थी, सब ही करते हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास फोन है, बस मेरे पास ही नहीं है। इन्हें तो हमारी पड़ी ही नहीं है, वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते। चले जाएंगे ना घर से तो पता चलेगा इन्हें। हाँ दीदी आपने सही कहा। ब्रदर एंड सिस्टर डिस्कसेस एंड कम्स टू ए कंक्लूजन दैट दे विल रन अवे फ्रॉम द होम द सेम डे। एट द सेम टाइम पेरेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट बाइंग ए फोन ऑन EMI फॉर डॉटर। मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने बच्ची को EMI पर फोन दिलाई देते हैं। कैसे दिलाएंगे, पहले से ही इतने खर्चे हैं। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। नहीं जाना। जाओ बेटा कोई बात नहीं। मैं अब खेलने जाऊँ? ठीक है जाओ। देखा इनके बोलने का तरीका, और दिला दो फोन। सो द टू चिल्ड्रन कम्स आउट ऑफ द हाउस। As the boy and the girl comes out of the house, four boys starts following and plans to take advantage of the situation. Didi, मैं थक गया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? कब रुकेंगे? मुझे भूख भी लगी है। रुक तू, बैठ यहाँ, मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। लड़की चले गई, अब उसको उठा लो। आउट ऑफ द फोर बॉयज टू बॉयज किडनैप द ब्रदर एंड वर वेटिंग फॉर द गर्ल टू किडनैप हर। चिंटू चिंटू कहाँ गई यार, अभी तो यही थी। हो रही लड़की, पकड़ो उसे। अब यह दृश्य वहीं आकर रुक गया है जहां लड़की छुपी हुई है और उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। काश मैं ये गलती नहीं करती तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। इन आवर सोसाइटी देर आर फ्यू पीपल हु आर रेडी टू हेल्प एंड फ्यू टू हार्म अस। नेक्स्ट मॉर्निंग देखो वहाँ एक लड़की गिरी हुई है, चलो चल के देखते हैं। हाँ, चलो। मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। बेटा तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, घर कहाँ है तुम्हारा? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती। नहीं जा सकती, मेरा भाई खो गया, उसे ढूंढना है। ये लड़की बहुत डरी हुई है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ इसे पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। हाँ चलते हैं, चलो बेटा। किडनैपिंग केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कल ही इस कॉलोनी में 2 किडनैपिंग केस आए थे। हमें भी ध्यान रखना होगा और बच्चों को अलर्ट करना होगा। सर ये बच्ची बहुत डरी हुई है, हमको वहाँ पे ये बेहोश मिली। मैं बात करता हूँ। अच्छा क्या हुआ बेटा? अंकल मैं और मेरा भाई घर से भाग गए थे और मैं दुकान गई थी कुछ लाने के लिए भाई के लिए, और वापस आई भाई नहीं था। मैंने खूब ढूंढा पर मिला ही नहीं, और कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे इसलिए मैं चुप गई। चलो वो जगह बताओ जहाँ तुमने अपने भाई को छोड़ा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, the unlawful act of transporting people in order to benefit
from their work or service in the form of forced labor. क्या करें इन बच्चों का? बेच देते, अच्छे पैसे कमाएंगे। नहीं, हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाते, अच्छे पैसे कमा लेंगे। मैं भीख नहीं मांगूंगा। भीख कैसे नहीं मांगेगा, मैं भी देखता हूँ। पापा। चुप, चुप आ जाइए। After searching for 10 hours continuously, police finally finds the lost brother along with few other kids. They rescue them and hand over them to their parents. Sorry, mummy, papa, hum aisa kabhi kuch nahi karenge.